भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा का आया तूफान, ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर मचाया कहर, तो वहीं सरफराज खान ने भी काफी खुकार विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की उड़ा करके रख दी धज्जियां। रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के उड़ा दिए परखच्चे। इंग्लैंड के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाजों के पसीने छूट गए। रोहित शर्मा को आउट करने में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया, तो इंग्लैंड के कप्तान की भी रूह कांप गई। घातक विस्फोटक बल्लेबाजी से यहां पर तेहरी शतकीय पारी खेल डाली और 90 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी का भी माथा चकरा गया जब रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ खूंखार विस्फोटक बल्लेबाजी देखी। आप भी अगर रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखेंगे तो आपके भी एक बार रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चौथे टेस्ट मुकाबले में इस बल्लेबाज ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से बरसों साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट दिखाने जा रहे हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच जब चौथे टेस्ट मुकाबले का टॉस छाला गया तो टॉस की बाजी भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और इंग्लैंड के कप्तान को गेंदबाजी करने का मौका दिया। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े, जहां पर रोहित शर्मा ने पहले ही एक ओवर में शानदार कवर ड्राइव, 2 चौके और गगन चुमती 3 छक्के जड़ दिए। रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर गरज रहा था, तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करते रहे और अंग्रेजों को जमकर धोते रहे। तो वहीं 21 साल का होनहार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल भी कहां किसी से पीछे रह जाने वाला है। इस बल्लेबाज ने भी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से अंग्रेजों को धोना शुरू कर दिया और ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। आप सभी को बता दें कि यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज इनकी बल्लेबाजी से काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे और उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। चौथे टेस्ट मुकाबले में इतनी घातक विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा दिया कि इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ गए। लेकिन यहां पर भारतीय टीम के घातक विस्फोटक शेर रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर ताबड़तोड़ चल रहा था, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इंग्लैंड के गेंदबाज रोहित शर्मा की बल्लेबाजी से काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे, क्योंकि रोहित शर्मा काफी ज्यादा गुस्से में बल्लेबाजी कर रहे थे। रोहित शर्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर था, क्योंकि पहले टेस्ट मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा तो रोहित शर्मा ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। रोहित शर्मा छक्के पर छक्के और चौके पर चौके जड़ रहे थे, जहां पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रोहित शर्मा तो वहीं यशस्वी जायसवाल ने भी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से 12वें ओवर के 6 गेंदों पर शानदार 3 छक्के और 2 कवर ड्राइव की ओर चौके लगा दिए। लेकिन यहां पर 15वें ओवर की 6ठी बॉल पर भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका लग गया। 15वें ओवर की 6ठी बॉल पर जब यहां पर 65 रन बना करके आउट हुए यशस्वी जायसवाल जैसे खुकार विस्फोटक बल्लेबाज, जी हां, जब यशस्वी जायसवाल आउट हुए तो रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर घातक विस्फोटक इंडिया टीम के प्रिंस शुभमन गिल आ गए। शुभमन गिल काफी खुकार विस्फोटक मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करते हैं। शुभमन गिल ने मैदान पर आते ही ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने शुरू कर दिए। शुभमन गिल ने मैदान पर उतरते ही चौके से शुरुआत की और ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से अंग्रेजों को धोना शुरू कर दिया। शुभमन गिल का मैदान पर बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और काफी खुकार विस्फोटक तरीके से मैदान पर शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहे थे। शुभमन गिल ने यहां पर 25वें ओवर की 6 गेंदों पर शानदार 4 छक्के और 2 कवर ड्राइव की ओर चौके जड़ दिए। शुभमन गिल काफी खुकार विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और अंग्रेजों को जम करके धो रहे थे। तो वहीं रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर गरज रहा था और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे थे। रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर आग लगा रही थी। ऐसा लग रहा था कि तूफान आ गया हो, सभी को ऐसा लग रहा था कि झलक ये रोहित शर्मा नहीं बल्कि महेंद्र सिंह धोनी खेल रहा हो, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में खेल रहे घातक विस्फोटक बल्लेबाज हिटमैन रोहित शर्मा ने खुकार विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा दिया। लेकिन भारतीय टीम को यहां पर सबसे बड़ा झटका लग गया जब 42वें ओवर की 4थी बॉल पर शुभमन गिल आउट हो गए। लेकिन जैसे ही शुभमन गिल आउट हुए, यहां पर 65 रन बना करके भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका लगा। लेकिन यहां पर सरफराज खान फिर आ गए। सरफराज खान वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है, जहां पर इस बल्लेबाज ने चौथे टेस्ट मुकाबले में आते ही अंग्रेजों को धोना शुरू कर दिया और ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। सरफराज खान ने बल्लेबाजी से मैदान पर ऐसा कहर बरसा दिया कि 50वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगन चुमती 4 छक्के और 2 कवर ड्राइव की ओर चौके जड़ दिए। यहां पर सरफराज खान तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे और अंग्रेजों को खुला चैलेंज दे दिया कि दम है तो आज रोक करके दिखा दो। रोहित शर्मा और सरफराज खान की जोड़ी मैदान पर विस्फोटक बल्लेबाजी कर रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया, लेकिन रोहित शर्मा और सरफराज खान का बल्ला मैदान पर गरज रहा था और काफी तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। इनकी बल्लेबाजी देखकर यहां पर हर कोई हैरान था। रोहित शर्मा ने यहां पर 52वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार जब गगन चुमती 6 छक्के जड़ दिए, जहां पर रोहित शर्मा ने जब इतने घातक विस्फोटक बल्लेबाजी से 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़े, जहां पर 90 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर
छोड़कर महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह का भी माथा चकरा गया, क्योंकि टेस्ट मुकाबले में आज से 90 साल पहले एक बल्लेबाज ने रिकॉर्ड तोड़ा था और आज जो है 90 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर एक नया इतिहास रच दिया। रोहित शर्मा ने तूफानी विस्फोटक तो बल्लेबाजी की, लेकिन यहीं पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज सरफराज खान का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन फिर भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका लग गया जब घातक विस्फोटक बल्लेबाज सरफराज खान 102 रन बनाकर के आउट हो गए और यहां पर 85वीं ओवर की 6ठी बॉल पर जब सरफराज खान आउट हुए तो रविंद्र जडेजा मैदान पर रोहित शर्मा का साथ देने के लिए उतर गए। रविंद्र जडेजा जैसे ही मैदान पर आए तूफानी विस्फोटक तरीके से डटकर बल्लेबाजी करने लगे। रविंद्र जडेजा एक ऑलराउंडर बल्लेबाज और गेंदबाज है। रविंद्र जडेजा जब भी टीम इंडिया में से खेलता है तब शतकीय पारी जरूर खेलता है। रविंद्र जडेजा ने चौथे टेस्ट मुकाबले में 86वें ओवर में आते ही 6 रन से शुरुआत कर दी और ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जम करके धो डाला। रविंद्र जडेजा का बल्ला मैदान पर ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से चल रहा था जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रविंद्र जडेजा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी देखकर ऐसा सभी को लग रहा था कि तूफान आ गया हो। इनके बल्ले ने मैदान पर ऐसी तबाही मचाई कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा कर रख दी। जडेजा ने यहां पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से 95 ओवर तक जाते जाते यहां पर 55 रन ठोक दिए, जहां पर नॉट आउट बनकर अर्धशतक पूरा कर दिया और अभी भी तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। यहां पर 98 ओवर की 6 गेंदों पर रोहित शर्मा ने 6 गेंदों पर फिर गगन चुंबती 6 छक्के जड़ दिए, जहां पर फिर रविंद्र जडेजा पवेलियन का रास्ता देख गए। लेकिन चौथे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन 103वें ओवर में विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। विराट कोहली वो तूफान है, वो जलजला जिसने चौथे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से अंग्रेजों को इसका दर्द होया कि वो सातों जन्म तक याद रखेंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला मैदान पर गरज रहा था और काफी तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डट कर ये बल्लेबाजी कर रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज रोहित शर्मा और यहां पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली की बल्लेबाजी देखकर काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इन बल्लेबाजों को कैसे आउट करें। रोहित शर्मा ने 110वें ओवर तक जाते जाते 300 रन ठोक दिए और ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से नॉट आउट थे। इंग्लैंड के गेंदबाज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार भारतीय टीम के बल्लेबाजों को हो क्या गया है। इनकी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी। लेकिन फिर 115वें ओवर की 4थी बॉल पर भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा एक तगड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट का सामना कर बैठे। जी हां, मैं आप सभी को बता दूं कि छक्के चक्कर में जो है आउट हो गए रोहित शर्मा, लेकिन रोहित शर्मा ने 300 से ज्यादा रन ठोक दिए और आप सभी को बता दें कि 114वें ओवर में घातक विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह मैदान पर आ गए। रिंकू सिंह वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिस मैदान पर आता ही ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। रिंकू सिंह ने महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में आते ही अंग्रेजों को धोना शुरू कर दिया और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा करके रख दी। रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और विराट कोहली और रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से अंग्रेजों को धोना शुरू कर दिया। जहां पर भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच एक वार्म अप मुकाबला था, रियल मुकाबला है, वो आज मतलब खेला जा रहा है और आप सभी को बता दें कि भारतीय टीम की जीत निश्चित है। अगर आप लोग ईश्वर से दुआ कामनाएं बनाए रखें, हमारी वीडियो देख रहे हैं, ईश्वर से दुआ कामनाएं बनाए रखें कि हमारी भारतीय टीम मुकाबला जीते, क्योंकि भारतीय टीम के घातक विस्फोटक बल्लेबाज सरफराज खान शतकीय पारी खेलेंगे, रोहित शर्मा भी शतकीय पारी खेलेंगे और सस्वी जायसवाल भी शतकीय पारी खेलेंगे। आप सभी को बता दें कि बल्लेबाज ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से अंग्रेजों को जमकर के धोएंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।